अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू रसी किचन। आई होप आप सब अच्छे और सेफ है। आज हम आप सबके सामने शेयर करेंगे गोभी फ्राई, वो भी मेरी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोभी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोभी को ऐसी बड़े बड़े पीसेस में काट कर तैयार कर लिया। गोभी को बॉईल करने के लिए कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर गोभी डाल दिया, उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। देन पानी डालकर गोभी को 1 बॉईल लाने के लिए छोड़ देंगे। 1 बॉईल आने के बाद मैंने गोभी को स्ट्रेन आउट कर लिया। मैंने गोभी को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर एक बोल ले लिया, इसके अंदर बॉईल किया हुआ जो गोभी थी इसके अंदर डाल देंगे। देन इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। सबको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे गोभी के साथ। बहुत अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गोभी को बॉईल करके रखी थी, इसीलिए बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। देन इसके अंदर अराउंड 1 टेबलस्पून योगर्ट डाल देंगे ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो एंड 1 टीस्पून अरारूट डाल देंगे ताकि कोट भी अच्छे से हो। इस सब को बहुत अच्छे से हल्के हाथों से फेट से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं गाइस, गोभी ऑल मसालों से बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी ताकि बहुत अच्छे ये मसाला अंदर चला जाए और मेरा परफेक्ट गोभी फ्राई बनकर तैयार हो जाए। 30 मिनट्स हो गया गाइस, मैंने गोभी फ्राई बनाने के लिए कढ़ाई ले लिया और गैस की फ्लेम ऑन कर दिया। देन मैंने इसके अंदर अराउंड 2 टेबलस्पून कैनोला ऑयल डाल देंगे। देन मैंने इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून सौंफ डाल देंगे। देन मैंने 1 बड़ा साइज ऑनियन चॉप करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। ऑनियन को तब तक हमें फ्राई करनी है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं गाइस, ऑनियन गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम पर मैंने जो गोभी को मैरिनेट करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छे से गोभी को ऑनियन के साथ मिक्स कर देंगे। अब देख सकते हैं गाइस, ऑनियन के साथ बहुत अच्छे से गोभी मिक्स हो चुका। इसी टाइम पर मैंने इसको कवर करके 10 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया गाइस, आप देख सकती है गोभी के साथ मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका। बट गोभी के अंदर जितने सॉफ्टनेस मुझे चाहिए उतना नहीं आया, इसीलिए मैंने इसको दोबारा 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 5 मिनट्स हो गया गाइस, आप देख सकती है इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। इसी टाइम पर मैंने कोरिएंडर लीव्स डाल दिया इसके ऊपर, देन इसके ऊपर 1 ग्रीन चिलीज डाल दिया और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गोभी फ्राई के अंदर ट्विस्ट डालने के लिए मैंने यहाँ पर गार्लिक रेड चिली सॉस डाल दूंगी थोड़ा सा और थोड़ा सा केचप डाल दूंगी। देन दोनों को बहुत अच्छे से गोभी फ्राई के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाए। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया गोभी फ्राई, कितना टेम्पटिंग बनकर तैयार हो गया। इसी टाइम पर मैंने इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, मेरा गोभी फ्राई बनकर तैयार हो गया, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ये कितना टेम्पटिंग तैयार बनकर तैयार हो गया आप देख सकती है। आप इस गोभी फ्राई को रोटी, पराठा, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकती है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आप खाइए, आप लोगों को भी खिलाइए। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज गाइज, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू रसी किचन।
चलिए आपसे फिर मिलूंगी एक अच्छा और खूबसूरत रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।